सैयदा ताहिरा जो है ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। तो जो वसीयत बीबी कर सकती है वो कोई आम खातून उस मर्तबे को नहीं पहुंच सकती। बीबी ने जो वसीयतें की हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी जात के फायदे के लिए नहीं, उसमें सबके फायदे देख रही हैं। हत्ता कि जो बीबी की मैं आपको जो अजमत के हवाले से आप बात कर रही हैं कि जब जनाब सैयदा का अक्द तय हो गया, और ये काजिम कज़वीनी की किताब है फातिमा मिनल महदे इलल्लहद, उसमें ये रिवायत उन्होंने लिखी है कि जब अक्द तय हो गया तो उसमें जितने भी दिरहम थे वो तय पाए महर के तौर पे। तो जनाब सैयदा को जब इस बात का इल्म हुआ तो अपने बाबा के पास आई और कहती हैं कि ऐ मेरे बाबा जान, मेरा जो महर है वो भी आम औरतों के महर की तरह दरहम दिनार होगा, तो फिर मुझ में और आपकी बेटी यानी दूसरी औरतों में और आपकी बेटी में क्या फ़र्क हुआ, तो मैं इस महर को कबूल नहीं करती। अब यहाँ पे मैं पहले ये कहूँगी कि महर होता क्या है, इस सिलसिले में भी हमारे माशरे में बहुत से मसाइल हैं। तो हालांकि बस मैं एक जुमले में कहूँ, महर वही होता है जिस पे दुल्हन राजी हो, जिस पे दुल्हन राजी हो। अब यहाँ जो दुल्हन है वो है खास कनीज़े खुदा। अब वो किस बात पे राजी हुई कि मैं दिरहम और दिनार वाले महर पे राजी नहीं हूँ, ऐ मेरे बाबा जान मेरा महर जो है वो आपकी उम्मत के जो गुनाहगार हैं उनकी शिफात करार दीजिए। तो फिर वो रिवायत आगे बढ़ती है कि उसी वक्त जिब्राइल आते हैं और उनके हाथ में एक रेशमी पारचा होता है, उस पर लिखा होता है जा अल्लाह महरा फातिमा तज़हरा, के अल्लाह ने फातिमा जहरा का जो महर करार दिया है शिफाअतल मुज़्नबीना फी उम्मते मुहबीहा, उनके बाबा की उम्मत में से जो गुनाहगार उम्मती हैं उनका उनकी बख्शिश को महर, उनकी शिफात को महर करार दिया है। तो ये सोचिए कितनी करीमा है वो बीबी कि उन्होंने ये नहीं कि उन्होंने ये फरमाया कि ऐ मेरे बाबा मुझे इतना महर नहीं चाहिए, ये कम है इसको ज्यादा करें, नहीं मुझे ये चाहिए नहीं दिरहम दिनार आपकी उम्मत के। और देखिए जनाब सैयदा जो हैं ये अपने बाबा के लिए सुकून का बायस बन के आई, क्योंकि कल्ब रसूल का चैन जनाब सैयदा ताहरा है। और कल्ब रसूल की सबसे बड़ी बेचैनी क्या थी, वो सबसे बड़ी बेचैनी अगर आप कुरान में तलाश करें अजीजुन अलैहि मा अनितुम, कि ऐ रसूल तुम इसी चीज के लिए परेशान रहते हो कि ये ईमान क्यों नहीं लाते, ये मोमिन क्यों नहीं हो जाते, ये जहन्नमी ना हो जाएं, ये नहीं रसूल खुदा की यही परेशानी थी। और बीबी ने अपने बाबा की उसी परेशानी को खत्म कर दिया कि उनकी गुनाहगार उम्मत के लिए अपना महर उनकी शिफात रख दी। सुभान अल्लाह, ये अपने बाबा के दिल का चैन है ये बीबी। सुभान अल्लाह।